हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं घर में पड़ी बेकार चीज़ों से कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाने। तो ये देखिए, मेरे घर में ये एक कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था और ये एक कैरी बैग थी। तो कैरी बैग को हम क्या करेंगे, पहले हम इसको उल्टा करके हाफ फोल्ड कर लेंगे, दोनों को फोल्ड कर लेंगे। अब इसके अंदर हम कार्डबोर्ड को रख देंगे और इस कैरी बैग को सीधा करते हुए इसके अंदर डाल देंगे, तो हमें नीचे से कोई भी रफेज वगैरह नहीं दिखेंगे। और इसको इस तरह से अंदर हम बहुत सफाई से इसको सेट कर देंगे और उसके ऊपर फ्लैप को इस तरह से रख देंगे। अब हमें क्या करना है, जो किनारे ये साइड निकली हुई है तो इनको इस तरह से बराबर बिठाते हुए इसमें हम थ्रेड और सुई से सिलाई लगा देंगे। अगर आप नीडल और थ्रेड की सहायता से नहीं इनको सिलना चाहते तो कोई बात नहीं है, इसमें हम सेफ्टी पिन की भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम इसको सिल देंगे। सिलने के बाद ये देखिए, हमारा बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। इसमें मैंने छोटी बेबी के अपने ट्राउज़र पैंट वगैरह रखे हुए, क्योंकि ये इतने सारे कपड़े होते हैं बच्चों के कि मिलते नहीं हैं, तो इनको अलग अलग रखने से ही आसानी से हमें मिल जाते हैं। इस तरह से फोल्ड करके ही इनको रखेंगे। तो ये हमारा पहला ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो आइडिया नंबर 2। तो ये भी एक कैरी बैग थी, इसका भी हम बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। देखिए, मैं इसके दोनों साइडों को इस तरह से कट कर लेना है। एक साइड को इस तरह से कट कर लेंगे और ये दो साइड से सिला हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जितनी आपकी बोतल है बोतल के नाप को हम इसमें सिलाई लगा, इस तरह से बोतल रखेंगे तो ऑर्गेनाइज़र अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसमें सिलाई हमने पहले में 3 लगाई थी, लेकिन वो मेरी एक बोतल इसमें आ नहीं रही थी, तो हमने इसमें क्या किया था, इसमें सिर्फ 2 सिलाई लगाई है। तो जो नीचे सिलाई लगाई है उसमें एक पतली वाली बोतल पड़ी है, इस तरह से ये मेरी आ नहीं रही थी, तो मैंने बीच वाली सिलाई ओपन कर दी थी। तो बीच में दो ये नीचे पतली बोतल आ गई है और बीच में स्पेस काफ़ी हो गया, तो इसमें हमारी 2 बोतल आ जाएंगी। मैंने अभी इसमें एक ही रखी, लेकिन ये 2 आ जाएंगी इस तरह से। और ऊपर की जो सिलाई थी उसमें नल की है। इस तरह से हमारी 3 बोतल डालने के लिए ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। इसको हम कहीं भी कील हैंगर कहीं भी हम इसको हैंग कर सकते हैं। और इस तरह से हमारी बोतल इधर उधर नहीं ढुलंगती रहती हैं, किचन में रखो तो कहीं इधर गिरेंगे कहीं उधर, इस तरह से इसमें डाल देंगे तो ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और ये देखने में भी ख़राब नहीं लगेगा। अब चलते हैं हम अपने तीसरे आइडिया की तरफ। तो ये हमारी मिक्सी है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कवर बना लेते हैं। तो कवर बनाने के लिए मैंने क्या लिया, मेरी छोटी बेबी की स्कर्ट रखी हुई थी, तो उसमें कोई भी झंझट नहीं करना पड़ा है। इस तरह से ये रही छोटी बेबी की स्कर्ट, ये बिल्कुल मिक्सी के बराबर है। तो इसमें जो ऊपर इलास्टिक पड़ी हुई है वो उसमें फिट आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको डाल देंगे और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इलास्टिक का, बिल्कुल वहाँ पे फंस चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें डोरी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा मिक्सी कवर बनकर रेडी हो गया है और इसमें कवर को हटाने का भी झंझट नहीं है। इसमें हम इस तरह से जार को लगा देंगे और हमारे स्पाइसेस भी पिस जाएंगे और हमें कवर हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र था, फ्री कॉस्ट है, इसमें इनको हम आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, हमारे इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़र ये बने हैं कि इनमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इसमें ना एक मिनट भी नहीं लगा हमारा इस कवर को बनाने के लिए। बस हमें स्कर्ट को उठाना और इसके अंदर डाल देना है, बस हम जब चाहे इसको उठा के कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा आइडिया नंबर 4 था। तो ये जो हमारे घर में प्लास्टिक सीट
होती है, कुछ भी सामान आता है इसमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसकी दोनों साइड है, हैंगर के लिए हमने इसमें होल कर लिया है और दोनों साइड है इसकी हमें ओपन कर लेनी है। ये थोड़ी थिक वाली है, इसमें बेडशीट वगैरह और काफ़ी क्लॉथ जो आते हैं तो कुछ की थिक होती है प्लास्टिक सीट। इस तरह से हमें इसमें हैंगर अटैच कर लेना और इसके नीचे हमें एक सिलाई लगा लेनी है। इधर से सीधी सिलाई लगा लेंगे, इसमें इस तरह से देखिए मार्किंग कर लेंगे और बीच से मार्किंग की है। इसमें हमने लगभग एट एट पॉकेट बनाई है, ये देखिए इस तरह से। अब नीचे का पार्ट ओपन है तो इसको डबल इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है, ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। तो इसमें हमने इसमें हम कुछ भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें किचन में टांग सकते हैं या चाहे तो इसमें बच्चों की चीज़ें भी हैंग कर सकते हैं तो हमें आसानी से मिल जाएंगे। तो इसमें मैंने अपनी छोटी बेबी के सॉक्स और हैंकीज वगैरह रखी हैं। इसमें हम उनके अंडरगारमेंट्स भी रख सकते हैं ताकि वो इधर उधर मिक्स ना हो और हम इनको आसानी से हमें मिल जाए। तो ये देखिए, अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को कम फुल वॉच भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच भी किया करें तो इस, और अगर पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए हमारे ऑर्गेनाइज़र कितने अच्छे से फ्री कॉस्ट बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरह आप मेरे साथ मेरी वीडियो बने रहिए। तो अब मिलते हैं, इसी तरह से नए नए वीडियो लाते रहेंगे और आप मेरी वीडियो को प्लीज़ वॉच किया करें। अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।